नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। हम हरियाणा की आने वाली परीक्षा सीईटी उसके आधा उसके लिए हरियाणा के प्रश्न लाए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, हरियाणा पुलिस को ध्वज और गठन के लिए कौन सा अवार्ड मिला है या कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर होगा प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक हैं IAS PK अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी पत्रिका UGC केयर लिस्ट में शामिल हुई है? तो इसका उत्तर होगा हरि प्रवाह। हरि प्रवाह UGC केयर लिस्ट में शामिल हुई है। तो बात करें हरि प्रवाह का प्रकाशन कौन करता है? हरि प्रवाह का प्रकाशन संस्कृत अकादमी द्वारा किया जाता है। संस्कृत अकादमी की बात करें तो इसका गठन 2002 में हुआ था। अब हम कुछ साहित्य हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो है हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं CM। इस समय इसके अध्यक्ष हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा साहित्य अकादमी के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरमैन हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा रेणु भाटिया इसकी चेयरमैन बनी है। और बात करें रेणु भाटिया कहाँ की है, ये फरीदाबाद की है, फरीदाबाद से रहने वाली है। अगर बात करें इसके उपाध्यक्ष की तो प्रीति भारद्वाज। बात करें हरियाणा महिला आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो इसका उपाध्यक्ष है प्रीति भारद्वाज द्वाज प्रीति भारद्वाज इसकी उपाध्यक्ष है। अब हम महिला आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो 31 जनवरी 1992 में हुआ था। यदि इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है यश श्री। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष इसकी यश श्री इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। अगला प्रश्न होगा सहचने की कवायत मूर्ति। अगला प्रश्न है सहचने की कवायत मूर्ति मुद्राएं कहाँ मिली हैं? सहचने सहचने की कवायत मूर्ति व मुद्राएं हरियाणा में कहाँ मिली हैं? तो बात करें कहाँ मिली हैं तो ये मिली है यमुना नगर के गांव जिसका नाम है संधार, संधार संधार गांव में ये मिली है। बात करते हैं अब यमुना नगर में महात्मा बुद्ध के स्तूप इसी में है। कपाल मोचन मोचन इसी में है। कालेश्वर या कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान इसी में है, उद्यान इसी में है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान स्थान यहीं पर है। सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में है, शुगर मिल यमुनानगर में है। मथुरा देवी का मंदिर
मथुरा देवी का मंदिर इसी में है यमुनानगर में। बात करें हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज ये भी यमुनानगर में है। और हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी ये भी हरियाणा में है, सॉरी ये भी यमुनानगर में है। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य हाफेड़, तो हाफेड़ ने कौन सा उत्पाद तैयार किया है जो ये चर्चा में आया है। हाफेड़ ने, हाफेड़ ने कौन सा उत्पाद तैयार किया है जो ये चर्चा में आया है, जिसे कहेंगे इफको, इफको यूरिया, इफको नैनो यूरिया, नैनो यूरिया इसकी उत्पाद की है हाफेड़ ने। हाफेड़ के बारे में बात करें तो इसका जो गठन है यह है, इसका गठन की बात की जाए तो इसका गठन 1966 में हुआ था। अगर हम बात करें हाफेड़ के चेयरमैन की, तो इसका हाफेड़ का जो चेयरमैन है, चेयरमैन वो है कैलाश भगत, कैलाश भगत चेयरमैन कैलाश भगत है। अब आगे राष्ट्र उत्तर हरियाणा का अगला प्रश्न होगा, उत्तर हरियाणा का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र कहाँ बनेगा, तो इसका उत्तर होगा ये बनेगा अंबाला में। अंबाला की बात करें तो इसे आमों की नगरी कहते हैं, आमों की नगरी, सबसे ज्यादा आम। नाम की बात करें तो अंबा, अंबा देवी के नाम पर इसका नामकरण पड़ा था। बात करें महावीर उद्यान, महावीर उद्यान ये भी अंबाला में है। बात करें तो इसका अदर नाम हो तो इसे मिक्सी, मिक्सी सिटी भी कहते हैं, मिक्सी सिटी, इसे हम साइंटिफिक सिटी भी कहते हैं, साइंटिफिक सिटी, विज्ञान नगरी, विज्ञान नगरी, विज्ञान नगरी भी इसे कहा जाता है अंबाला को। अंबाला में बात करें तो भारत का प्रमुख वायुसेना मुख्यालय इसी में है, भारत का प्रमुख वायु सेना मुख्यालय इसी में है, मुख्यालय। तो आपको बताना है अंबाला में जो हवाई जहाजों की उड़ानों की खेप आई थी वो कहाँ से ली थी, कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज से हम सभी सब्जेक्टों की क्लास शुरू करने वाले हैं, सभी के पास इस नोटिफिकेशन को भेज दें, शेयर कर दें कि अब फ्री में कोचिंग क्लास शुरू होने वाली है, किसी प्रकार का किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें।